तो भाई लोग, स्वागत है आप लोग की एक नई रिव्यू वीडियो में। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के लिए। अगर आप मोटो व्लॉगर हो या मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हो तो भाई आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई ये जो प्रोडक्ट है ये आपके हेलमेट में स्क्रैच लगने से बचा सकता है। वो स्क्रैच कैसे लगता है? जब हम अपना एक्शन कैमरा उसमें फिट करते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और आपको पिक्स भी दिख जाएंगी। तो ये रहा हमारे भैया का हेलमेट, यूनिक राइडर भैया का हेलमेट, ठीक है। तो आप यहाँ बस देख सकते हैं, अगर आप चाहोगे कि इसको बाद में तो उखाड़ ही सकते हैं ना, तो यहाँ बस उखाड़ तो सकते हो, मगर यहाँ पर निशान रह जाते हैं, यहाँ पर स्क्रैचेज रह जाते हैं। ये एमसील से जॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें ये जे माउंट लगा दो, बस बात ख़त्म हो गया, अपना कैमरा माउंट कर सकते हो आप। लेकिन बस मेरे जैसे लोग के लिए नहीं है जो अपने हेलमेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो भाई हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि वो क्या चीज़ है जो मतलब कि हमें एमसील से हेलमेट के ऊपर वो माउंट को फिक्स करना, उससे मतलब हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको क्या प्रोडक्ट है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे हेलमेट की। ये सेम कंपनी के हैं दोनों, ये दोनों हेलमेट स्टील वर्ड के हैं, और ये वाला मेरा वाला है, मेरी गाड़ी से मैच करता हुआ हेलमेट, रेड कलर का मैंने लिया था। मैंने एमसील ओमसील कुछ नहीं लगाया है। इसमें देख सकते हैं आप, ये रहा, इसमें देख सकते हैं आप, दोनों को देख सकते हैं। ये परमानेंट है, और ये जब मन चाहो तब निकालो, आपका हेलमेट भी सेफ रहेगा। ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं, एक प्लास्टिक का बना हुआ है ये। यहाँ पास जे माउंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जे माउंट मतलब पहले से इसमें इनबिल्ड आता है। आप इसको अपने हेलमेट के साथ, ये देखिए, ये स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, स्ट्रैप्स के साथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात इसकी, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लेना हो तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको अभी इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। हाँ भाई, ये मेरा बेड है, और ये उस पर बिछी हुई चादर, उस पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप फ्यूचर में कभी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आपको मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, तो विदाउट आप अपने हेलमेट को डैमेज किए आप कैसे मतलब मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। सबसे पहले वाइज़र को भैया ऊपर करना पड़ेगा हमें। आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने धो दिया है, मैंने बताया आपको, इसका फोम निकाल के धो दिया है मैंने। और अपना ये प्रोडक्ट लेना है, जो ये है माउंट है, इसको ऐसे रखना है। जो स्ट्रैप्स निकले हुए हैं ये, और ये जो दोनों स्ट्रैप्स हैं, इनको ऐसे आगे, सबसे पहले इसको पकड़ो, ये दिख रहा है, इसमें एक थे, इसमें ऐसे जाएगा ये, और यहाँ से ये लॉक हो जाएगा। ये सेकंड वाला भी सेम वैसे ही जाएगा, ये इसमें हमने डाला, ये इसको पकड़ा और इसे खींच दिया, एकदम इजी, वेरी इजी भाई। आप का सेटअप रेडी है ब्लॉक करने के लिए, देखो। और आप यहाँ पास बस कैमरा माउंट कर दो, बात ख़त्म। मैं आपको पिक्स दिखा दूँगा कैसे होती है कैमरा माउंट इसमें। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आपको रिव्यू वाली वीडियो, मोटो ब्लॉग की वीडियो, ब्लॉग की वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर देना लाइक और सब्सक्राइब। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मोटो ब्लॉग या रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।